आप सभी मेरे दोस्तों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों मेरा नाम है रामाधीन पंडित और आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक ताल ठेका जो कि 12 मात्रे में है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप इनके बोल लिखेंगे। बोल हैं धिन धिन धागे त्रिकिट तू ना कत ता धागे त्रिकिट धी ना, और ये 12 मात्रे में ठीक है। और इनके ताली खाली दोस्तों आप लोग जान लीजिए 1, 5, 9, 11 पर ताली है, तीसरी और सातवीं मात्रा खाली है ठीक है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाथों पर भी ताली खाली देना बताऊंगा इसके एक ताल के ठीक है। सबसे पहले बजाना हम लोग सीख लेते हैं, आइए देखिए इसे कैसे बजाना है। धीन बजाने के लिए स्याही के किनार पर इस फिंगर को उठाएंगे, ये वाला फिंगर उठा रहेगा फर्स्ट फिंगर से, ये लॉ है, यहाँ बजाएंगे, तीन डगे पर बजाएंगे, इन दोनों को एक साथ आघात करेंगे, हो जाएगा धिन धिन, दो बार बजाएंगे धिन धिन, जब दो बार इस तरीके से धिन धिन, धागे चाटी बना डगे पर गे धा, ये हो जाएगा गे, धिन धिन धागे तिरकिट तिरकिट तू ना, ये हो जाएगा तू, ये हो जाएगा ना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता, ये हो जाएगा कत, ये हो जाएगा ता ठीक है, कत ता, उसके बाद धागे तिरकिट, उसके बाद धी ना, लो पर तीन डगे पर गिर धी चाटी पर धी ना, एक साथ बजाएंगे, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना ठीक है। तो ये हो गया आपका ठेका कंप्लीट। अब देखिए ताली खाली कैसे देंगे। सबसे पहले तो हमें मात्रा को याद रखना है कि एक ताल में कुल 12 मात्रा होते हैं, 1, 5, 9, 11 ताली, तीसरी और सातवीं मात्रा खाली ठीक है, इसे याद रखना है। जहाँ जहाँ ताली है वहाँ ताली देना, जैसे देखिए धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना, तो इस तरीके से आपको ताली खाली दिखाना है ठीक है। देखिए एक साथ कैसे बजाएं, धिन धिन धागे ठीक है। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत ता धागे तिरकिट धी ना कत तिरकिट ता तिरकिट धा तिरकिट ता तिरकिट धा तिरकिट ता तिरकिट धिन। तो हमारा जो सम है वो धिन है, तो हमें धिन पर आकर के ही रुकना है ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एक ताल ठेका कंप्लीट और उठान ठीक है। और दोस्तों इसका जो प्रयोग है वो अधिकतर ख्याल अंक के गायन के साथ इसका प्रयोग अधिकतर होता है ठीक है। और दोस्तों इस ताल के अंतर्गत क्या क्या बजाए जाते हैं वो भी आप लोग जान लीजिए। इस ताल के अंतर्गत कायदा, पेशकार, रेला, पड़न, टुकड़ा इत्यादि ये सब बजाए जाते हैं ठीक है। तो हालांकि मैं आप लोगों को इनके कायदा भी बता ही दिया हूँ, उठान भी बता ही दिया हूँ ठीक है, इनके रेला भी बता ही दिया हूँ एक ताल के ठीक है। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल से यदि जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब सीखने को मिलेगा ठीक है। और यदि आप शुरुआती से तबला सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।